चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो और घंटों दबा दियो सारों लेटेस्ट वीडियो सारों पहले देखने खातर थाने सारा ने खा जल की कसम। डिघारला गांव की इस पावन धरती पर आज जो मेरा सम्मान समारोह रखा है इसके लिए मैं मंचासीन सभी मेरे परम आदरणीय हैं और सबके सब का मैं स्वागत करती हूँ। सम्मानित मंच कहकर बुलाना चाहूंगी और सामने विराजमान सम्मानित डिघारला गांव के नागरिकगण, मेरी माताएं बहनें और आसपास के गांव से पहुंचे हुए सभी सम्मानित जन, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। इस गर्मी के समय में भी आपने इतना समय हमें दिया है, काफी लंबा प्रोग्राम भी चला। देखिए 2013 में जब इलेक्शन लड़ा था तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से वसुंधरा जी ने सुराज यात्रा निकाली थी और उस सुराज यात्रा का जो रथ था वो पूरे प्रदेश भर में घूमा था। पूरे प्रदेश में घूमा था और आज उस दौरान मैं उस बात को उठाना चाहती हूँ कि जब अपने यहाँ पर भी जब वो सुराज रथ आया था तो सिद्धमुख कैनाल का जिक्र उन्होंने किया था। याद होगा आप सबको कि हम जो सिद्धमुख कैनाल है उसका जो पानी है यहाँ के किसानों को देंगे और कुछ ही दिन पहले, ये हफ्ता भर पहले, 10 दिन की पहले की बात है, वसुंधरा जी फिर आपके बीच में आई थी गौरव यात्रा लेकर। आई थी कि नहीं आई थी? गौरव यात्रा लेकर आई थी और वो यहाँ पर कौन सा गौरव दिखाना चाह रही थी मेरी तो समझ से परे। स्थानीय सांसद ने भी मंच से लोगों को भ्रम करने के लिए बहुत बड़े बड़े भाषण दिए और बहुत बड़ी बड़ी मांगे रखी। मैं भी सुन रही थी कि आज वसुंधरा जी आई हैं तो मेरे इस तहसील के वासियों को जो वादा किया था उस वादे के ऊपर भी कुछ बोलेंगे कि मेरी भी कान टिके हुए थे, लेकिन जब सिद्धमुख कैनाल का जिक्र आया तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया और क्या देकर गई? सिर्फ दो रेलवे के अंडर ब्रिज, सिर्फ दो। एक मुख्यमंत्री होकर इतना छोटा सा तोहफा आपको देके जा रही है तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है हमारी। और मेरा सवाल तो नेतृत्व से भी है, जो यहाँ से नेतृत्व है, आपको इतने वर्ष दिए और इतने वर्षों के अंदर इस एक मांग को आप उठाते हैं और आप इतनी इस मांग को मनवा भी नहीं सकते हैं तो बड़े शर्म की बात है हमारे। और इतना ही क्यों, राजगढ़ तहसील के अंदर इतने सारे मसले उठे और पिछले दिनों में तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं भी घटी, चाहे वो गोलीबारी हो, चाहे वो हत्याकांड हो, चाहे लूट की घटनाएं हो, चाहे आगजनी की घटनाएं हो, चाहे महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं हुई हो या आपसी लड़ाई हुई हो, किसी भी घटनाक्रम के ऊपर स्थानीय, चाहे वो विधायक हैं, चाहे स्थानीय सांसद हैं, किसी ने भी प्रतिक्रिया दी हो या उसके खिलाफ आवाज उठाई हो तो आप प्रांगण में कोई भी व्यक्ति उठाकर मुझे बता सकता है। आज इन 5 सालों के अंदर, 4.5 सालों के अंदर, जब हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी आप सबके बीच में गए, खेत में मैं गई, गांव में मैं गई, खेतों में बसी ढाणियों में मैं गई, जहां पे फसल निकलती है अपने मारका नहीं तो पैर बोलिया करें थे के बोलो बेरोपन खड़ो खड़े में भी मैं गई, चाहे वह दूध काटती, चाहे गोबर थापती, बहनी बैंगन भी मैं गई, हर जगह उस व्यक्ति तक पहुंचने का हमने प्रयास किया और आपकी समस्या से मैं वाकिफ होने की कोशिश की। और इस दौरान सबसे बड़ी जो समस्या महिलाओं की तरफ से जो आई वो थी घर घर पानी देने वाली योजना।
और देखिए मैं आपकी बात को पहले ही अशोक गहलोत जी के सामने रख चुकी हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस क्षेत्र में आई हूँ या उधर गई हूँ, गर्मियों में भी मैंने देखा है कि 10-10 दिन तक हमारे को पानी नहीं मिला है, और महिला को सुबह से लेकर शाम तक पानी की जरूरत होती है। और जो बूंगी परियोजना आज मोहल्ले वाइज स्टूडियो के रूप में हमारे बीच में है, वो योजना सम्माननीय उस टाइम हमारे कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत जी थे, उनकी दी हुई थी, और ये योजना हर घर तक जाने की थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, इसमें देरी हुई, और देरी के साथ साथ इसे मोहल्ले वाइज लगाकर 15-20 घरों के बीच में, 30-40 घरों के बीच में इसे रखा गया। देखिए, कुछ परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन लोगों के घर के अंदर तो बोरिंग भी होगा, पानी जमीन से पानी ले लेता है, लेकिन सबसे बड़ी व्यथा मेरे को गरीब व्यक्ति की तरफ से मिली कि गांव में अवैध कनेक्शन हुए या पानी का बिल नहीं भरा गया तो पूरे गांव का जो पानी है वो काट दिया गया। तो गरीब व्यक्ति कहता है कि आर्थिक स्थिति वाला तो टैंकर भी डलवा लेता है, मैम क्या करें, हम कहां जाएं, कहां से डलवाएं वो टैंकर। और यह बात जब मैंने अशोक गहलोत जी के सामने रखी कि अपनी दी हुई योजना को इस तरीके से बिगाड़ा गया और महिलाओं के सिर से अभी भी मटके उतरे नहीं हैं, और मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि जिस दिन भी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहला हमारा काम राजगढ़ तहसील के अंदर हर घर में पीने का पानी पहुँचना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं किसानों के बीच में भी गई, और अगर मैं अपने इस क्षेत्र की बात करती हूँ, उदराता बेल्ट की बात करती हूँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बीच में जो है वो सिद्धमुख कैनाल का है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे लिए, और इसका शिलान्यास उस समय हमारे प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। और हनुमानगढ़ जिले की प्रभारी होने के नाते जब मैं हनुमानगढ़ जिले के प्रचार के दौरान और मीटिंगों में थी, और मेरा बूथ मेरा गौरव के जो प्रोग्राम चल रहे थे, तो राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे। दोपहर का खाना हम ले रहे थे, तो मैं उनके सामने चर्चा कर रही थी कि हमारे क्षेत्र में कैसी समस्याएं हैं, जो हनुमानगढ़ जिले से लगता हुआ हमारा जो एरिया है। चर्चा चलने लगी कि आपके यहाँ पर खेती कैसे होती है। हमने कहा साहब, जमीन में तो पानी है नहीं, डार्क जोन में वैसे है, नया कुआं हम खुदवा नहीं सकते, अगर मालिक की मेहरबानी हो जाती है तो खेती हो जाती है, और मालिक की मेहरबानी हो जाए तो आजकल मोदी जी की मेहरबानी हो रखी है, आवारा पशु इतने घूमते हैं वो चर जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो राम भरोसे। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या कामकाज है, हमने कहा जी कुछ ही कामकाज को नहीं, सारा दिन ताश खेलें चौका में बैठा, क्या करें। सिद्धमुख कैनाल का मैंने जिक्र कर दिया उनके आगे कि ऐसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे यहाँ पर सिद्धमुख कैनाल का उद्घाटन करके गए थे, और आज तक टेल तक पानी हमें को नहीं पहुंचा है उस कैनाल का। और अब तो इस नहर की दुर्गति ये हो चुकी है कि जो भी नाले खाली निकले थे वो सारे टूटे हुए हैं। फिर पीने के पानी की बात आई तो हमने कहा कि हम बारिश का पानी संजो कर रखते हैं और पूरी साल भर उस पानी को पीते हैं। उनको ताजुब हुआ कि पूरी साल इस पानी को आप पीते हो तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते क्या। हमने सारी व्यवस्थाएं उनको बताई। फिर शिक्षा के ऊपर बात आई, फिर खेल के क्षेत्र में मगरनी है तो इसके ऊपर बात आई, तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि कृष्णा जी, इस बार कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का क्षेत्र का अलग से मैनिफेस्टो बनाने जा रही है, और आपने जितनी बातें बताई हैं, चाहे वो सिद्धमुख कैनाल की बात है, चाहे महिलाओं की शिक्षा की बात है, चाहे फिर वो नौजवानों को आगे खेल में बढ़ाने की बात है, चाहे वो सुरक्षा की बात है, आप याद रखना जब आप चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा मैनिफेस्टो में इन सब चीजों को आप जोड़ेंगे, जिन्हें हम अपने प्रायोरिटी पर रखकर इन कामों को हम करवाना चाहेंगे, और हम आपका सहयोग करेंगे ताकि आप इन काम को करवा सकें। ये पार्टी की तरफ से मुझे भरोसा मिला है, और हम वादा करते हैं कि ये प्रमुख हमारे काम रहेंगे।
चिटमुख कैनाल, दूसरा नौजवानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम देना राजगढ़ के अंदर, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूँ और दुनिया में नाम कमाया और उस बलबूते के ऊपर मेरे पास हरियाणा में डीएसपी के पद की नौकरी थी, राजस्थान में डीएसपी के पद का ऑफर था मेरे पास, रेलवे में मैं अधिकारी था और ओएनजीसी में, इनकम टैक्स में, कितने डिपार्टमेंट में मेरे पास नौकरियों के लेटर थे। और खुशी इस बात की भी है कि हमारे इस क्षेत्र में प्रतिभाएं भी हैं और वो इसलिए हमें पता है क्योंकि जब हम खुद खेल करती थी, मैं करती थी, वीरेंद्र जी आपके सामने ही बैठे हैं जिन्होंने मुझे निखारा है अपनी कोचिंग से, तो हम पटियाला में जब ट्रेनिंग करते थे तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे, यहाँ सुविधाएं नहीं है तो वो चाहते कि हम जाकर अपने खेल को सुधारें और किसी ना किसी तरीके से उस बच्चे का, क्योंकि वहाँ बाहर का बच्चा ट्रेनिंग नहीं कर सकता जब तक अंदर से पास नहीं बनेगा, और पास जब बनेगा, जब कोई कोच उस बच्चे की गारंटी ले, तो काफी बच्चों के पास बनवाए, कोई बच्चा हिसार जाके ट्रेनिंग करता, कोई रोहतक जाके, कोई दिल्ली जाता है, कोई पंजाब जाता है, तो उस दौरान हमने सोचा कि हमारे इन नौजवानों की हमें मदद करनी चाहिए और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर स्टेडियम के बारे में सोचा, ताकि हमारे बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचे और गुंडागर्दी की तरफ ना जाकर, नशा की प्रवृत्ति ना अपना कर खेल के जरिए नौकरियां प्राप्त कर सके। और खुशी की बात एक और बताना चाहती हूँ कि जब 2010 में जब हमारा मेडल आया था तो सम्मान्य अशोक गहलोत जी ने बोला था कि हम खेल को राजस्थान के अंदर कैसे अच्छा बना सकते हैं, और एक कमेटी बनी थी जिसमें वीरेंद्र जी खुद शामिल थे। 2% कोटा जब खेलों में, खेलों के जरिए नौकरियों के लिए रखा गया था, वो हमारी बात मानी गई थी, हम चाहते थे और हमने बात रखी थी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो बच्चा है वो गरीब तबके से आता है, किसान का है, मजदूर का है, और वो अपने इस खेल को नहीं निखार सकता है। एक तो खेल कोटे से नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए और दूसरा राज्य स्तर पर भी अगर कोई बच्चा मेडल जीतता है तो उसे प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए ताकि वो अपने खेल को सुधार सके। और आज एकमात्र ऐसा स्टेट है राजस्थान जिसमें राज्य स्तर पर भी मेडल आने पर बच्चे को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन थी। फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज की बात उठी थी और गांव में मैं महिलाओं से जब भी मिलती और कोई बच्ची मुझे मिल जाती तो ये पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, इस तरीके जब मैंने बातें रखी कि बच्चियों की शिक्षा जरूरी है, क्योंकि मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट की भी ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ और इलेक्शन कमीशन की भी, और उस दौरान काफी दौरे मैंने राजस्थान के अंदर किए थे। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, और इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर थी तो वहां पर भी प्रचार किया था। तो उसी दौरान और अब इस मेरी मुहिम के दौरान भी जब मैं महिलाओं से मिली और बच्चियों की शिक्षा के बारे में जब बात की तो महिलाएं एक बात कहती है मेरे को, एक तो दूर दराज जाने के साधन अच्छे उपलब्ध नहीं है, दूसरा राजगढ़ के अंदर जो गुंडागर्दी है, हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी की इज्जत बनी रहे, हम शिक्षा नहीं दिलाना चाहते, ये सोचने वाला विषय है हमारे लिए। एक बेरोजगारी, एक गुंडागर्दी, एक अच्छा माहौल ना होना, एक बहु बेटियों का घर से बाहर ना निकल पाना और उनका शिक्षित ना होना, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए कल अपनी बच्ची अशिक्षित है तो आप बताएं आप कहां तक उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो बच्ची शिक्षित से संतुष्ट हो, लेकिन उस समय मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन इन 5 सालों में जब मैं आप सबके बीच में गई हूँ तब मुझे पता लगता है कि वोट कैसे बनता है। और आज महसूस करती हूँ और गांव में जब भी गली में, मोहल्ले में या चौक में जब भी खड़ी होती हूँ, कोई भी बुजुर्ग है या नौजवान साथी है तो वो चल के कहता है, बुजुर्ग होगा तो, बेटा हमने आपको वोट नहीं दिया था, फलाना पार्टी को दिया था, लेकिन आज आपको आशीर्वाद देते हैं, वादा करते हैं कि हम आपको वोट देंगे। इस तरीके से मेरे साथ बात की जाती है। नौजवान है तो वो कहता है, मैडम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें आपसे आशाएं हैं। और दूर क्यों जाऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले ही जो मेरा बूथ मेरा गौरव की रैली थी, मैं उस दौरान विजयपुरा गांव के अंदर थी, एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई
और उस बच्ची ने इतना अच्छा सवाल किया, आज तक किसी ने नहीं किया ये सवाल, क्योंकि हमारा स्वार्थ हमारे आगे आ जाता है। उस बच्ची ने कहा कि मेरा पहली बार वोट बना है और पहली बार वोट मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने सवाल किया कि पहली बार आपका वोट बना है और मुझे क्यों देना चाहती, मुझे क्यों देना चाहती। वो कहने लगी कि मैं ये मालाना गांव की बात है कि मैं मालाना से जब कॉलेज जाती हूँ, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे मैं हर रोज ऑटो या किसी साधन से जा सकूं, तो मैं मालाना से पैदल जाती हूँ और कच्चे रास्ते बैजवा होते हुए जाती हूँ और आगे जाके बस पकड़ती हूँ, और जब उस कच्चे रास्ते से निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है। अगर मैं साखू की तरफ से जाती हूँ तो हर रोज मुझे 50 रुपये चाहिए, और मेरे पिताजी की इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि वो 50 रुपये हर रोज मुझे दे सके, और मैं इसलिए वोट देना चाहती हूँ ताकि मालाना से बैजवा होते हुए अगर रोड बन जाए तो, आज मैं अकेली जाती हूँ, अगर रोड बन जाए तो बहुत सारी लड़कियाँ शिक्षित हो सकती हैं। इस रोड की कमी की वजह से बच्चियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता, उस बच्ची के सवाल थे। और हम क्या कहते हैं, कथानम फोन कर दियो भाई के साथ लड़ाई होगी, मैं पूरी लड़का रही, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और उस बच्ची ने क्या कहा कि मैं तो ले रही हूँ शिक्षा, लेकिन और बच्चियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि रोड बने। तो उस बच्ची ने ऐसा सवाल मेरे से किया, ऐसा मेरे से वादा किया। सोच सोच का फर्क है, अगर हम निराशाजनक होकर सोचेंगे तो निराशा मिलेगी, उत्साहजनक होकर अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें अच्छी सोच मिलेगी। और आज मुझे बड़े गर्व के साथ और बड़ी खुशी के साथ आपके साथ मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं ढाणी डाणी गई तो एक बात मेरे सामने आई थी कि हमें कोई बिचौला नहीं चाहिए, हमें कोई बिचौला नहीं चाहिए, हम सीधा आपको वोट देना चाहते हैं, सीधा आपसे काम कराना चाहते हैं। और उसी तर्ज के ऊपर हमने कार्यालय को खोला और जब काम करवाया, आज हर व्यक्ति सीधा जाता है। देखिए गांव का जो व्यक्ति है, भोला भाला है, गरीब है, वो जाके पिछली कुर्सी पे बैठ जाएगा। मैंने महसूस किया इस बात को, और जब हमने उस व्यक्ति से पूछा, हाँ आगे आओ, आप पीछे क्यों बैठे हो, किस काम के लिए आए थे, उसका हौसला बनता है और वो अपने फटाक से कागज निकाल के दे देता है कि मैं तो खाद्य सुरक्षा बिल में अपना नाम जुड़वाना चाहता हूँ, या मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया, या पटवारी से ये काम था। और अब कई बार मैं ऐसे व्यक्ति को टोकती हूँ तो पता है वो क्या कहता है कि मैडम जी शहर में आया हुआ था, मिलने आ गया, मिलने भी चला आता है, इतना हौसला उस व्यक्ति को बना। तो हम तो सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस रीत को तोड़ना चाहते हैं जो दलाली की रीत यहाँ पर चालू की गई थी, उस सोच को तोड़ना चाहते हैं जो थाने तहसील तक सिमट कर रह गई थी। तो आगे बढ़ने के लिए उस सोच का होना जरूरी है। खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयां छुई हैं, निसंदेह छुई हैं, वो मेरी और मेरे कोच की मेहनत थी, परिवार का सहयोग था, सरकार की योजनाएं थी, उनका भी हमने लाभ लिया। लेकिन राजनीति के क्षेत्र के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि डीएसपी थी, क्या चाहिए था मुझे, रेलवे में अफसर थी, अच्छी खासी बढ़िया सैलरी थी, ऑफिस में एसी, घर में एसी, गाड़ी में एसी, तो क्या चाहिए, गर्मी में किस लिए घूमो, कुछ नहीं लेना। छोटी सी उम्र में नाम कमाया है और हर बच्चा बच्चा का वाकिफ है कि कृष्णा पूनिया कौन है। नाम कमाते बहुत समय लगता है, नाम गवाते हुए देर नहीं लगती, चुटकियों में बदनाम हो जाते हैं। तो हम सेवा भाव से इस राजनीति में आप सबके बीच में आए हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए, इसमें ताकतवर बनने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैंने अपनी उपलब्धियों से, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल तक भेज सकती हूँ, लेकिन खेती में मजदूरी करने वाला व्यक्ति सरकारी स्कूल में ही भेज सकता है। मैं समझ सकती हूँ उस बात को, क्योंकि मैंने भी किसान परिवार में जन्म लिया। हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है।
पिछले चुनाव का हमें कोई गिला शिकवा नहीं। आज हमने 5 साल तक मेहनत की है, इसमें हम आपसे मदद मांगते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद में चुनाव होता है। ये लोकतंत्र है और चुनाव लड़ना सबकी इच्छा होती है, हर कोई लड़ भी सकता है। और अगले 5 साल में जब हम आपके बीच में आए तो हम कहें कि हमने ये काम किया है, इसके बदले हमें वोट दीजिए। और आज हम आपसे मौका मांगते हैं, हम वादा करते हैं कि आपकी बुलंद आवाज बनकर आपने जो विश्वास और जो भरोसा हम में देखा उसको कभी टूटने देंगे और उसे बुलंद आवाज के रूप में गूंजेंगे। ये वादा हम आपको करते हैं। कोई कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, कोई कहता है सरकार में चलती नहीं है, और हम कहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो हमारी चलेगी। हम ये बात आपको वादे के रूप में कहकर जाते हैं कि चलेगी। वोट अपने मन से दिया जाता है, किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। और ये जो दान है वो गुप्त दान है, लेकिन अंतरात्मा पर एक बार जरूर विचार करना आप लोग कि हमने आज तक किस आधार पर वोट डाले थे। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ, हो सकता है कल मेरे से अच्छा भी कैंडिडेट आपको मिल जाए, लेकिन आपको परखना चाहिए। और ये जो मत है इसकी ताकत, चाहे वो गरीब व्यक्ति है चाहे वो अमीर, चाहे महिला है पुरुष है नौजवान है, हर एक वोट की एक जैसी कीमत है, एक जैसी ताकत है। तो इसे आप कमजोर ना समझे, हर वर्ग को एक एक ऐसी ताकत इस साइड हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए आपको चाहिए, ताकि बच्चे को दूसरे स्कूलों में ना जाना पड़े। और 12वीं तक का हमारा स्कूल है, तो हम वादा करते हैं कि गवर्नमेंट बनने के बाद वो सब्जेक्ट आपके लागू करवा दिए जाएंगे। दूसरी बात, आपने सड़क से जोड़ने की बात की थी, चाहे वो अपने धांगड़ा से है चाहे चैनपुरा से है। रास्ता मैं भी गुजरी हूँ, मैं भी गाड़ी तोड़ी है, मैं भी चाहे वो डिगारला से चाहे दुमकी की साइड गई हूँ, मुझे पता है हर रास्ते का। कोशिश रहेगी कि हर गांव को उस तरीके से एक व्यवस्था मिल जाए कि हर गांव को रोड से जोड़ा जाए। कहूँ कि एक ही दिन में सारे हो जाएंगे, नहीं हो सकता, लेकिन ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में ये काम आपके हो जाएंगे। सिद्धमुख नहर का तो मैंने आप सबके सामने जिक्र ही कर ही दिया, और एक आंगनवाड़ी का भी है, लेकिन ये तो बातें तभी हो सकती है जब मैं सरकार में शामिल हूँ। जब आप मुझे उन बातों के लायक बनाओ तब मैं उनके बीच में जाऊँ। आपकी मांगे जायज है, अगली बार जब आप मुझे आपके बीच में जब मैं वोट मांगने आऊँ और जब आप मुझे जिताकर भेजें तब कहना ये मांगे आपको दी थी, तब मैं कहूँगी कि हाँ मैंने ये आपकी मांगे पूरी कर दी है, ये वादा कर दिया। इसी बीच एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं अपनी बात खत्म से पहले करने से पहले, मुझे निखारने वाले और आप बैठो लेना, आगे वाले तो पीछे वाले खड़े नहीं होंगे, बैठ जाओ बैठो। हाँ, थोड़े से